हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चन 7 जुलाई के हैं। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएँ, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा भारत के किस राज्य में डिजिटल गेमिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी? तो इसमें आंसर आएगा डिजिटल गेमिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना आंध्र प्रदेश में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा देश की पहली टैक्सी एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहाँ की गई? तो इसमें आंसर आएगा नई दिल्ली में, और पूरी दिल्ली में इस तरह की करीब 200 कैब एम्बुलेंस चलाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को शिशु के जन्म पर 180 दिनों का पेड मैटरनिटी लीव देने की घोषणा की है? पेड मैटरनिटी लीव यानी वो पीरियड किसी वुमेन का जब बच्चे का जन्म होता है तो वो लीगली एब्सेंट हो सकती है अपने काम से, और जिसके लिए उसको पेड यानी उसकी सैलरी भी नहीं रोकी जाएगी। तो इसमें आंसर आएगा महाराष्ट्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा चाय पे चर्चा अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा द्वारा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चाय पे चर्चा अभियान की शुरुआत की और राज्य के विभिन्न जगह पर पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों के साथ चर्चा की। वह अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में प्रतिक्रिया जानने के लिए पंचकुला से लेकर जींद तक लगभग एक दर्जन कार्यक्रम में शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रथम विश्व कायाकिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा केरल राज्य में, और यह 18 से 22 जुलाई तक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्थान द्वारा भारत में भारी ड्यूटी इंजन मॉडल के लिए पहला BS6 प्रमाणन जारी किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा ICAT को, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के धार्मिक नेता का क्या नाम है जिसे हाल ही में 1995 के टोक्यो अंडरग्राउंड नर्व गैस हमले मामले में मौत की सजा सुनाई गई है? तो इसमें आंसर आएगा शोको एसारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस द्वारा बीते वित्त वर्ष में कितनी राशि बतौर GST दिए जाने की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा 42,553 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा के पैनल ने शॉटपुट एथलीट इंद्रजीत सिंह पर कितने साल का बैन लगा दिया? तो इसमें आंसर आएगा 4 साल का। इंद्रजीत सिंह रियो ओलंपिक 2016 के लिए क्वालिफाई करने वाले एथलीटों में से एक थे, और उनके मूत्र के नमूने में एडवर्स एनालिटिकल फाइंडिंग में प्रतिबंधित पदार्थ पाए गए, और जिसके बाद उन्हें 26 जुलाई 2016 से अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया कर दिया गया था, और अब उन्हें धारा 2.1 का उल्लंघन का दोषी मानते हुए 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया, और यह प्रतिबंध उनके अस्थायी निलंबन की तारीख से शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने बैंकों को कितने चिन्हित जिलों में प्राथमिकता के आधार पर मिलने वाले कर्ज के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को पर्याप्त कर्ज मुहैया कराने का निर्देश दिया है? तो इसमें आंसर आएगा 121 जिलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2 परमाणु ऊर्जा इकाइयों का निर्माण चीन में करेगा जिनके काम शुरू होने की उम्मीद क्रमशः 2026 और 2027 तक है? तो इसमें आंसर आएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार को रोडवेज और सार्वजनिक परिवहन के सभी ड्राइवरों की आंखों की जांच 15 दिनों में कराने का आदेश दिया है? तो इसमें आंसर आएगा उत्तराखंड हाईकोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में निजी तौर पर संचालित हिंदू धर्म के स्वामी नारायण स्कूल को बंद करने से रोकने हेतु शुरू किए गए एक हस्ताक्षर अभियान में करीब 3500 से अधिक लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें आंसर आएगा ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग 7 और 8 सितंबर 2018 को निम्नलिखित में से किस जगह पर भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन मूव ग्लोबल मोबिलिटी शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है? तो इसमें आंसर आएगा
नई दिल्ली में, और इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके नेशनल ओशियनोग्राफिक सेंटर द्वारा जारी शोध पत्र के अनुसार वर्ष 2100 तक समुद्री जल स्तर में बढ़ोतरी से प्रतिवर्ष वैश्विक कितना खर्च आएगा? तो इसमें आंसर आएगा 14 ट्रिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा हाल ही में अंतरिक्ष यात्री बचाव प्रणाली का किस स्थान से परीक्षण किया गया? तो इसमें आंसर आएगा श्री हरिकोटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ चाइना से पहले चीन के कौन से बैंक को भारत में काम करने की अनुमति दी जा चुकी है? तो इसमें आंसर आएगा इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में किस विवादित विधेयक को यूरोपियन संसद में रद्द कर दिया है? तो इसमें आंसर आएगा यूरोपियन यूनियन कॉपीराइट कानून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरमाला परियोजना के तहत क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज को पट्टे पर देने के लिए केंद्र से शिपिंग निगम को कितनी राशि प्रदान की गई? तो इसमें आंसर आएगा 500 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने नई दिल्ली में अपनी ई मार्केटिंग प्रणाली KIMIS लॉन्च की। KIMIS का क्या अर्थ है? तो इसमें आंसर आएगा, इसकी फुल फॉर्म है खादी इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला संपूर्ण डिजिटल कला संग्रहालय किस देश में खोला गया? तो इसमें आंसर आएगा संपूर्ण डिजिटल कला संग्रहालय जापान के टोक्यो में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा आपरा 2014 किससे संबंधित है? आपरा यानी आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, जिसे तेलंगाना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक्ट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में बाउंड्रीज को डिवाइड करता है, उसको डिफाइन करता है, और यह भी डिटरमाइन करता है कि जो एसेट्स हैं और लियाबिलिटीज हैं उनको दोनों स्टेट्स में कैसे डिवाइड किया जाएगा, और जो हैदराबाद है उसको परमानेंट कैपिटल तेलंगाना स्टेट का बनाया जाएगा और आंध्र प्रदेश का टेम्परेरी कैपिटल बनाया जाएगा। और हाल ही में केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा देने से अपनी असमर्थता व्यक्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया? तो इसमें आंसर आएगा इसरो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6 जुलाई से किस राज्य सरकार द्वारा प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है? तो इसमें आंसर आएगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। पिछले महीने यानी जून में महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया था, और महाराष्ट्र के बाद यूपी 19वां राज्य बन गया है जिसने प्लास्टिक के प्रयोग व भंडारण पर रोक लगाई है, और यह फैसला 15 जुलाई से लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे वारंट की बजाय ई टिकटिंग का चयन करने वाला देश का पहला सेंट्रल फोर्स कौन सा बन गया? तो इसमें आंसर आएगा NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी में तीव्रता व गोपनीयता प्रदान करने हेतु नीति आयोग ने हाल ही में किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसमें आंसर आएगा NASSCOM। अगर आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारला बंबल भारत का अंतिम और स्वतंत्रता के बाद में पहली बार बिजली सेवा प्राप्त करने वाला गांव बन गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा नारला बंबल जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में से आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों का डोप टेस्ट अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स। और
सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस पर जाकर हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियोज आप तक फेसबुक के द्वारा भी पहुंच सकें।